राजीव अगर समझे, फिलहाल आंकड़ों के गणित को अगर समझे, सरकार के लिए जरूरी जो आंकड़े हैं, अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं आरजेडी वाले गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, तो किस तरह ये आंकड़े पूरे होंगे? इस खेमे से भी क्या ये दावेदारी हो सकती है? क्या इन सब के बीच में विधायकों को तोड़ने की भी कोशिश होगी अपने अपने पाले में करने की? देखिए, अभी हमारे साथ अभिषेक थे। अभिषेक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट कर रहे थे, इसकी व्याख्या कर रहे थे कि वाकई में अगर विधानसभा डिजॉल्व किया जाता है या फिर कैबिनेट को डिजॉल्व करते हैं नीतीश कुमार, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। अभिषेक जी, अभी चूंकि आप बता रहे थे कि अगर विधानसभा डिजॉल्व की जाती है या फिर कैबिनेट को डिजॉल्व किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि आरजेडी के पास भी विधायक सबसे ज्यादा है, उसके बाद बीजेपी के साथ है और फिर तीसरे नंबर पर जेडीयू है, तो फिर तो आरजेडी भी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर सकती है। बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री दावा पेश अगर भंग करते हैं और भंग करने के बाद अगर दूसरा लिस्ट वो तुरंत नहीं देते हैं राज्यपाल को जिसमें बहुमत की संख्या हो और जिसमें तमाम विधायकों का समर्थन प्राप्त हो, तो राज्यपाल को पहली पार्टी यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको निमंत्रण देना होगा सरकार बनाने के लिए। वो एक वक्त तय होगा, उस वक्त के भीतर उनको सभी चीज़ों को साबित करना होगा यानी कि बहुमत साबित करना होगा। अगर किसी कारण से अगर पहली पार्टी नहीं साबित कर पाती है तो दूसरी पार्टी को फिर वो निमंत्रण देंगे, यानी कि फिर दूसरी पार्टी हो जाती है बीजेपी, बीजेपी को फिर निमंत्रण देंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार हमेशा करते आए हैं, वो कभी किसी को मौका नहीं दिए हैं, तो जब मौका नहीं दिए यानी कि इस बार भी वो चाहेंगे कि कोई तरह का किसी को मौका ना मिले और तमाम चीज़ें पहले हो चुकी हो और उसके बाद तब वो जा करके विधानसभा भंग करें या फिर इस्तीफा दें। आपको लगता नहीं कि आरजेडी जिस तरीके से इस कवायद में जुटी हुई थी, जिसको लेकर के ललन सिंह को जो है वो भेंट चढ़ना पड़ा कि कुछ 12 या 20 विधायकों को तोड़ ले, हो सकता है कि अंदर खाने ये भी गेम चल रहा हो? बात सबसे बड़ी यह है राजीव जी कि आखिर जदयू के विधायक आरजेडी के साथ क्यों जाएंगे? आज तक आरसीपी नहीं कर पाए ये काम, जो आरोप लगाते रहे हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह उनके ऊपर। अब जो अभी तक ये आरोप ललन सिंह पर जरूर नहीं लगा है, लेकिन ये बात तय है कि ललन सिंह कुछ खेल कर रहे थे, वो भी फेल हो गए। तो आखिर लगातार दो प्रयास के बाद भी साल भर के अंदर दो प्रयास हुए और दोनों में फेल हो गए, किसके कहने पर कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो बात की बात है, लेकिन फेल हो रहे हैं। तो जदयू के विधायक जब नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट लेते रहे हैं और नीतीश कुमार अभी राजनीतिक रूप से पूरी मजबूती के साथ उपस्थित हैं, तो फिर जदयू के विधायक आखिर जाएंगे भी तो फिर उनको क्या मिलेगा आरजेडी में जाने का? तो इसलिए एक चीज़ें हैं जिसको लगाया मतलब किया जाता रहा है, कोशिश की होता रहा है। नीतीश कुमार भी अपने समय में पार्टी को तोड़े हैं, कांग्रेस को तोड़े हैं, आरजेडी के लोगों को तोड़े हैं और उसके बाद भी सरकार में बनाए हुए हैं, सरकार में लोग मंत्री बने हैं। बस अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी वो तोड़ करके आए थे, तो वो चीज़ें होती रहती है, लेकिन कौन बाजी मार पाता है उस पर डिपेंड करता है। और चूंकि बीजेपी भी कोशिश कर चुकी है, जदयू को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाई आरसीपी के माध्यम से, ललन सिंह किसके सारे पर थे नहीं थे वो तो जब चीजें सामने आएगी तो चलिए राजीव लौटेंगे अभिषेक के पास और समझेंगे ये तमाम इक्वेशन को। लेकिन इस वक्त बीजेपी से अनामिका झा हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अनामिका जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। क्या बिहार में खेला होने जा रहा है? क्या वापस एनडीए में जदयू की वापसी होने जा रही है? देखिए, हम अगर नीतीश कुमार जी की बात करते हैं या रोहिणी आचार्य की बात करते हैं, हम जदयू और आरजेडी की बात करते हैं, मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि वो लोग हैं जिनकी ना कोई नीति है, ना नियत है, ना राष्ट्रवाद के लिए कोई सोच है। अगर नीतीश जी की बात करें तो व्यक्तिवादी अहंकार से इतने ग्रसित हैं कि उन्हें अपने से शेष देश में कोई नजर नहीं आता। रोहिणी आचार्य की जहां तक बात है तो रोहिणी आचार्य परिवारवाद की एक कड़ी है, जिनकी योग्यता लालू परिवार की पुत्री होना है। जिस तरह की टीका टिप्पणी वो नीतीश जी को लेकर कर रही है, निसंदेह से उनकी मानसिकता पता चलती है कि वो कितना अयोग्य न सिर्फ नीतीश कुमार जी को समझती है बल्कि उनकी सोच को भी समझती है। और नीतीश कुमार जी की यह पीड़ा कि वो कितनी पीड़ा और कसमसाहट में आरजेडी के साथ है, समय समय पर परिलक्षित होती रहती है। उसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने लालू जी के परिवारवाद पर टिप्पणी। तो क्या एनडीए के द्वार खुले है, बीजेपी भी द्वार खुले रखेगी एनडीए में शामिल करने के लिए जदयू को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति के ना विरुद्ध रही है। हम विचारों की बात करते हैं और हमारे विचार समय समय पर कभी नहीं बदलते नीतीश जी की तरह। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और आप देखेंगे हम अपनी स्थापना के समय से भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ते रहे और वो हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है कि उस लड़ाई में उस तरह की मानसिकता के को जीने के लिए नीतीश जी बिल्कुल भी अनुकूल व्यक्ति नहीं है और इस तरह की प्रतिकूल मानसिकता जो आदरणीय नरेंद्र मोदी यानी प्रदेश बीजेपी अगर जदयू शामिल होना चाहती है एनडीए में तो प्रदेश बीजेपी इससे खुश नहीं है। देखिए, मैंने आपसे फिर से कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे लिए व्यक्ति विशेष नहीं, एक विचार है
और उनकी जिस तरह की गतिविधियां हैं और जिस तरह से उन्होंने सत्ता को पाने के लिए अपने को निम्नतम स्तर पर ले जाकर समझौते किए हैं, जहां उन्होंने आप राष्ट्रवाद से इतर अगर बात करें तो आप विकास की तो बात छोड़ दीजिए, हम बिहार की दुर्दशा और बदहाली की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने सत्ता में रहने के लिए बिहार को दुर्दशा की दलदल में धकेल दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और हमारे दरवाजे खुलने का तो विषय ही नहीं होता। चलिए नामिका जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी नेता नामिका जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं है जिनकी विचारधारा पर्पल बदलती है। क्या समझा जाए राजीव, अभी तक कोई भी नेता खुलकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ गठबंधन में गांठ है और अब ये गांठ खुलने लगी है, यानी अब एक दूसरे के साथ RJD जदयू या इस गठबंधन में जदयू नहीं रहना चाहती। बीजेपी के जो प्रदेश नेता है वो नहीं चाहते कि अब नीतीश उनके साथ हो, लेकिन अगर ये तय हो जाता है कि NDA में शामिल होगी जदयू तो ये मुश्किलें होंगी सामंजस्य बिठाने में फिर प्रदेश में। नहीं देखिए, असिया दरअसल में कहा यह जाता है कि जब कोई भी तूफान आता है तो उसके पहले पूरा सन्नाटा छाया जाता है, तो ये खामोशी जो है उस बात का द्योतक है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। रही बात है कि जो पॉलिटिकल जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात, तो अभी मैं आपसे जो संवाद कर रहा था तो मैंने चर्चा किया था कि जो पिछली सरकार गई थी 2018 में तो लालू प्रसाद यादव को रांची निकलना था और उसके ठीक पहले वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको चूँकि फ्लाइट से जाना था, फ्लाइट छूट जाती है और उसके बाद वो बाय रोड जाते हैं और वो भी रांची पहुंचते भी नहीं है, आधे ही रास्ते में रहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। बिहार में नीतीश कुमार आते हैं और फिर वो सीधे तौर पर मीडिया को बाइट देते हैं, राजभवन जाते हैं और बिहार में खेल जो है वो हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जो अभी पिछले एक महीने से जो एक कयास लगाया जा रहा है या फिर कयासों का जो एक बाजार गर्म है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, और लगातार पिछले एक सप्ताह से जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो JDU के नेताओं की हो या फिर RJD के नेताओं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कल कर्पूरी जयंती, कल की अगर आप सिर्फ बात कर लीजिए तो कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने टारगेट किया है पूरे तरीके से, उनकी देखिए उनकी दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बात यह महत्वपूर्ण है कि भाई परिवारवाद की राजनीति से वो उब चुके हैं, उसको वो कहीं ना कहीं से खत्म होना चाहिए। उन्होंने विधिवत कहा यह चीज मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कि भाई देखिए मैंने आज तक अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया क्योंकि मैं कर्पूरी के सिद्धांतों पर चलता हूँ, और कर्पूरी जी भी जो थे वो अपने परिवारवाद के खिलाफ थे। इवन कि जब राम जीवन सिंह उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के, और उस समय कर्पूरी जी के बेटे जो रमानाथ ठाकुर हैं अभी राज्यसभा सदस्य हैं JDU से, उनके नाम का जब प्रस्ताव ले जाया गया था तो उन्होंने कर्पूरी जी ने फाइल को लेकर फेंक दिया था और वहां से मीटिंग से वो बाहर निकल कर चले गए। तो वो ऐसे कर्पूरी जी के वो शिष्य हैं जो इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करते। तो सीधे तौर पर इशारा जो है वो लालू जी की तरफ था। दूसरी तरफ आप कल देखिए कि उनकी जो दूसरी जो पंक्ति थी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि राज्य हित में अगर कोई भी निर्णय लेना होगा, कोई भी कुर्बानी उन्हें देनी होगी तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो भाई अभी कौन सी कुर्बानी वो देंगे बिहार में, चूंकि उनकी सत्ता ऑलरेडी सरकार चल रही है तो सरकार की ही वो कुर्बानी दे सकते हैं, बाद बाकी तो कोई दूसरी कुर्बानी वो दे नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप कल RJD के पूरे कर्पूरी जयंती को देखिए तो लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से सीधे तौर पर कह दिया है कि आप एक बार फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होइए। तो फिर से का मतलब ये हो गया कि भाई अब नीतीश जी फिर से उधर जा रहे हैं तो फिर से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इनके खिलाफ। दूसरी तरफ तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, उनको कम से कम ये कहना चाहिए था कि भाई नीतीश कुमार के साथ हमारी सरकार बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है, उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। तेजस्वी यादव और एक और अपडेट है इस वक्त, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिनके ट्वीट को लेकर इतना बवाल मचा, अब खबर ये मिल रही कि उन्होंने अपने पोस्ट को हटा लिया है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा था, और एक तरह से ये नजर आने लगा था कि किस तरह दोनों दलों में अब दूरियां बढ़ गई हैं, इससे क्या माना जाए राजीव? देखिए निश्चित तौर पर चूंकि JDU की तरफ से भी जवाब दिया गया है और कहीं ना कहीं से अभी RJD को लग रहा होगा कि रोहिणी आचार्य की जो ट्वीट है वो ट्वीट सरकार के लिए जी का जंजाल बन रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर निश्चित तौर पर ये मैसेज गया होगा कि आप अपने ट्वीट को हटाइए, और फिर उस ट्वीट को हटा लिया गया होगा कहीं, यानी कहीं ना कहीं से लालू परिवार जो है ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वही सरकार से जो है वो उनकी वापसी हो, क्योंकि अगर लालू जी फिर से एक बार बैकफुट पर चले आते हैं और सरकार से वो बाहर चले जाते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से अभी पूरे फॉर्म में है BJP और नीतीश कुमार उनके साथ चले जाते हैं तो इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं से लालू परिवार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि CBI ED की पूरी टीम अभी केंद्र सरकार के पास है, जो लगातार अभी आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों में भी काफ़ी बढ़त दिखाई जा रही है। ऐसी स्थिति में लालू परिवार यह अपनी तरफ से कभी नहीं चाहेगा कि वो इस संकट को आमंत्रित करे, और यही वजह है कि रोहिणी आचार्य को अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा है। जी आसिया जी,
तो चलिए अब बड़ा उलट फिर हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी की भी पूरी कोशिश हो रही है कि वो अपनी तरफ से कोई मौका ना दे। और रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था जो सीधे नीतीश को चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा था, जिस तरह से नीतीश ने कल जब कर्पूरी जयंती पर परिवारवाद को लेकर कहा उस पर ही पलटवार करते हुए रोहिणी आचार्य का यह ट्वीट था, लेकिन रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट अपना हटा लिया है। और अब क्या सब कुछ मैनेज करने की कोशिश हो रही है या फिर अब बहुत देर हो चुकी है, क्या कहा जाए इसे लेकर राजीव, क्या मैनेज करने की जो कोशिश हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नजर से भी देखें तो ये बड़ा झटका है। पहले टीएमसी ने आग दिखाया, आपने आग दिखाया, और अब जदयू अलग होती हुई अगर नजर आ रही है तो इंडिया गठबंधन तो ऐसे ही धराशायी हो गया। ऐसे में कितनी मजबूरी है इंडिया गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए, कि जदयू साथ में अभी रहे और ये सरकार चलती रहे। नहीं, देखिए, डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश जो है वो आरजेडी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि देखिए आरजेडी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो सरकार में और लंबे समय के बाद फिर से वो सरकार में आरजेडी जो है वो आई है। तो डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कवायद में जो है वो लालू परिवार, वो पूरी कोशिश वो लालू परिवार करेगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव खुद हों, तेजस्वी यादव हों, या फिर और जो कंसर्न लीडर हैं उनके, वो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार से कम वो बाहर ना जाए। और कल लालू प्रसाद यादव ने ये चीज़ कहा भी था नीतीश कुमार से कि आपको जो कुछ भी लेना है वह ले लीजिए, लेकिन बार बाहर मत जाइए। यानी कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद की बेचैनी जो इस बात को लेकर के है कि अगर वाकई में इस बार फिर से आरजेडी को बाहर कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में आरजेडी का संकट और बढ़ेगा। और आपको ये चीज़ पता भी है कि 29 और 30 तारीख को ईडी की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया है लालू परिवार को कि भाई लालू और तेजस्वी जो हैं वो ईडी कार्यालय में हाजिर हों, तो ईडी के सामने भी उनको गवाही देनी है, उन पर कई मामले चल रहे हैं उनके परिवार के ऊपर। तो कम से कम अगर आप सरकार में होते हैं तो थोड़ी सी आपको राहत जो है वो जरूर मिलती है, और जैसे ही आप सरकार से बाहर जाएंगे तो फिर स्टेट की जो एजेंसी है वो एजेंसी तो आपको परेशान करेगी ही करेगी, और सेंट्रल एजेंसी जो है वो पहले से ही आपको परेशान कर रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो डैमेज कंट्रोल की जो कवायद है, इस कवायद में न सिर्फ लालू यादव का परिवार बल्कि लालू प्रसाद यादव जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कितना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है, नीतीश कुमार क्या रिस्पॉन्ड देते हैं, चूंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो कानूनविदों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो वाकई में अगर कानूनविदों से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि तब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि फिर डैमेज कंट्रोल करने में लालू प्रसाद यादव सक्सेस रहेंगे। लेकिन हालांकि क्या कुछ होगा ये बहुत कुछ भविष्य के गर्त में छिपा है, और वक्त आखिर राजीव जो लगातार नीतीश कोशिश कर रहे थे इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद या प्रधानमंत्री का चेहरा या सीटों की बार्गेनिंग को लेकर, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से कोशिश होगी इंडिया गठबंधन की कि उनकी शर्तों को माना जाए या उनकी मांगों पर विचार हो और उन्हें अपने खेमे में ही रखा जाए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अब चूंकि जो प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है या फिर जो उम्मीदवारी की बात है, चूंकि संयोजक का पद तो उनको दिया जा रहा था, लेकिन संयोजक का पद वो लेने के लिए तैयार नीतीश कुमार हुए नहीं, वो कांग्रेस के पाले में उन्होंने गेंद डाल दी थी। तो इस बार चूंकि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का कल बयान आया, ममता बनर्जी ने कल सीधे तौर पर कह दिया कि भाई वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वहाँ पर वाम दल से उनका लड़ाई जो है वो 35-36 साल से उनकी लड़ाई चल रही है, कांग्रेस से उनकी लड़ाई चल रही है। तो ममता बनर्जी ने तो कल डिक्लेयर कर दिया, हालांकि कांग्रेस की तरफ से उनको पूरी तरीके से मनाने की कोशिश जारी है। अकाली दल की तरफ से कल ये कह दिया गया कि पंजाब में अकाली दल जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी स्थिति में प्रधानमंत्री का फेस बनके भी नीतीश कुमार क्या करेंगे? अगर इनको ऑफर दिया भी जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ आपको एक चीज पता होगा आसिया कि आज से 3 दिन पहले पीके ने एक ट्वीट किया था और विधिवत उसके बाद बाइट भी दिया था पटना में, उन्होंने यह कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो 5 सीट से ज्यादा बिहार में लोकसभा का चुनाव में नहीं जीत सकते हैं अगर लालू के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो बातें नीतीश कुमार की चीज लग रही है कि वाकई में अगर 5 सीट पर वो चुनाव जीतते हैं, अगर वो 16 से घट करके 5 पर आ जाते हैं तो फिर जाने का कोई फायदा नहीं है ऐसी स्थिति में। और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी का चूंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है 2024 में फिर से उनकी मोदी जी की पुनर्वापसी होगी, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे अब कि फिर से डैमेज कंट्रोल का वो शिकार हों और फिर से वो आरजेडी के साथ जो है वो जाए। हालांकि जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ आसिया जी कि ये तमाम चीज़ें हाइपोथेटिकल है, वास्तव में क्या होगा ये चीज़ नीतीश कुमार को ही पता है। और नीतीश कुमार जो हमारे सोर्सेज हैं, क्योंकि जो मीडिया है हम लोग सोर्सेज पर ही खबर चलाते हैं, तो जो सोर्सेज हम लोगों को पता चल रहा है सोर्सेज के माध्यम से कि कहीं ना कहीं से कानूनविदों के साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। जी आसिया जी,
तो फिलहाल ये अपडेट इस वक्त की कि रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं उन्होंने अपना पोस्ट हटा लिया है, जो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर इशारा कर रहा था उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है और एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की फिलहाल जो मौजूदा सरकार बिहार में चल रही है उसमें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई अड़चन ना हो, यानी नीतीश इस बहाने से कहीं अलग ना हो, ये कोशिश अपनी तरफ से आरजेडी ने की है, इस पोस्ट को हटा दिया गया है। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि नीतीश कुमार कानूनविदों से राय ले रहे हैं, यानी अब डिसॉल्व करने के लिए विधानसभा नीतीश कुमार कदम उठा सकते हैं, क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे या फिर सीधे इस गठबंधन से अलग हो जाएंगे, बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाएंगे, क्या विधायकों से भी बातचीत हो गई है, क्या इन सब सियासी घटनाक्रम में कुछ विधायक भी इधर से उधर पाला बदल सकते हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन सियासी गलियारों में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। और चलिए राजीव का रुख करते हैं, बड़ी खबर उनके पास है, क्या खबर है राजीव, बताएं हमारे दर्शकों को। आशिया अभिषेक एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, आशिया क्या है अभिषेक, क्या है बड़ी खबर? देखिए जब से जैसे खबर मिली है कि नीतीश कुमार कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं, यानी कि अब कुछ भी हो सकता है ऐसा लग रहा है, तो जो तमाम जो पटना में जो मीडिया कर्मी हैं बड़े बड़े जो भी हाउस के लोग हैं या अखबार के या तमाम राजभवन गोलम्बर के पास, यानी कि जहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास भी और राजभवन का भी दरवाजा वहीं पर है, तो वहीं पहुँच चुके हैं और सभी लोग धीरे धीरे वहाँ जमा हो रहे हैं कि क्या आज घटना घटेगी, क्या आज घटनाक्रम होगा, उसको देखने के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, हालांकि अभी क्या कुछ होगा यह तो बताने वाली बात अभी नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो अगर वो कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं, यानी कुछ न कुछ वो विचार कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ वो निर्णय लेंगे। बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और अभी जो अभिषेक बता रहे हैं कि तमाम मीडिया कर्मियों का जुटान जो है वो राजभवन के पास शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि कानूनविदों के साथ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राय मशवरा ले रहे हैं, उसके बाद से मीडिया कर्मियों का जमावड़ा जो है वो राजभवन के पास शुरू हो गया है, यानी कि हो सकता है कि देर रात तक या फिर कल तक कुछ ना कुछ बड़ी खबर सुनने को मिले। जी आसिया। चलिए राजीव, तो राजभवन के लिए अपनी टीम भी वहां पहुंचेगी और वो अपडेट अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि क्या आज वाकई बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है, इसे लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल कानूनविदों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राय ले रहे हैं और उसके बाद क्या वो राजभवन का रुख करेंगे, क्या राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। राजीव, अभिषेक और गौतम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब हमारी टीम राजभवन पर भी नजर बनाए रखेगी कि आखिर वहां से क्या अपडेट निकलकर सामने आता है, क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने जाते हैं, और अगर ऐसा है तो यह मानकर चलिए कि बिहार में बड़ा खेला हो गया। लेकिन अभी भी कोशिश हो रही है डैमेज कंट्रोल की, क्या इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश में आरजेडी कामयाब हो पाती है, क्या इस सरकार को बचा पाती है, या फिर से सत्ता से आरजेडी को बेदखल होना पड़ेगा, फिर से नीतीश कुमार जो लगातार उन पर पलटू राम का आरोप लगता रहा है, एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।